मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपनी ये वीडियो बना रहा हूं। बीच में काफ़ी समय निकला जब मैं वीडियो अपनी नहीं बना सका, किसी कारण से व्यस्त था, बीच में स्वास्थ्य भी कई बार खराब रहा, इस वजह से मैंने अब दोबारा ये शुरू किया है। आज हम बात करेंगे अमीबाइसिस के बारे में। अमीबाइसिस हमारे देश के अंदर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जिसके अंदर पेट के अंदर रोगी को दर्द होता है, उसे लैट्रिन भी कई बार जाना पड़ता है। तो ये क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, सबके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। वैसे तो पेट खराब होने के बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अमीबा भी उसके अंदर एक बहुत बड़ा कारण है। अमीबा की वजह से जब पेट के अंदर रोगी को दस्त ज़्यादा आते हैं, पेट में दर्द होता है, लैट्रिन के साथ में ब्लड भी आता है, म्यूकस भी आता है, तो उसे हम अमीबाइसिस बोलते हैं। वैसे अमीबाइसिस का कारण क्या है, इसके अंदर हमारे पेट के अंदर एक प्रकार का प्रोटोजोआ घुस जाता है, जिसे हम एंटामीबा हिस्टोलिटिका बोलते हैं। और जब यह हमारे आंतों के अंदर जाकर सूजन पैदा करता है, और कई बार तो जो हमारी लाइनिंग होती है आंतों की, उसके म्यूकस लाइनिंग को तोड़ के वो वहाँ से ब्लड भी निकालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जब लैट्रिन के अंदर ब्लड भी आता है और वहाँ म्यूकस भी आता है, और पेट में इस वजह से क्योंकि सूजन भी हो जाती है, इस वजह से दर्द ज़्यादा होता है, और हाजमा ठीक नहीं होने की वजह से बार बार रोगी को पोटी के लिए जाना पड़ता है। दिन में 10-12 बार 15 बार भी चला जाता है, और साथ में सारे दिन पेट में दर्द रहता है। जाने के बाद थोड़ी देर के लिए लगता है रोगियों को कि शायद मैं अब ठीक हो गया हूँ, और वो दर्द थोड़ा सा कम भी हो जाता है, लेकिन बना ही रहता है उसको दर्द, और वो सारा दिन परेशान रहता है कि मेरे को पेट में पता नहीं क्या हो गया है। और उसके लिए वो अनेक प्रकार के उपाय करता है, कभी खाना छोड़ देता है, कभी कहता है मैं हल्का खाना खा रहा हूँ, कभी मिर्चें नहीं खाता है, कभी कहता है बाजार का नहीं खा रहा हूँ, लेकिन उसकी समस्या का हल नहीं होता है। कभी वो दस्त बंद करने की दवाई खा लेता है, तो किस तरह से चलता रहता है, और जबकि उसका कारण सिर्फ अमीबा होता है, और जिसे हम अमीबाइसिस कहते हैं। यह अमीबाइसिस जिसे हम बोल रहे हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है अमीबा। ये सिंगल सेल का होता है, और ये कोई भी शेप धारण कर लेता है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं होता है। और ये जब पेट के अंदर जाता है तो इसे हम बोलते हैं ट्रोफोजॉइट्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, और वहाँ पे एक्टिवली घूमता फिरता है, और बहुत सारी अपनी और भी जनरेट कर लेता है, मतलब बहुत सारे अमीबा पेट के अंदर हो जाते हैं। और जब तक ये पेट के अंदर होते हैं तो कोई जो मैंने बताया वही सारे लक्षण होते हैं, और लेकिन एक और भी तरह की दिक्कत कई बार होती है कि ये यहाँ से म्यूकस लाइनिंग को ब्रेक करके और जब ब्लड के अंदर घुस जाता है, तो ब्लड से होता हुआ ये लीवर के अंदर जा सकता है, हमारे लंग्स में जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है, जिसकी वजह से लीवर में जब जाएगा तो लीवर एब्सेस हो जाएगा, लंग्स में जाएगा तो वहाँ भी एब्सेस करेगा। तो अगर ऐसी जब कंडीशन आती है तो और भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, और वाइटल ऑर्गन के अंदर अगर इस तरह का इन्फेक्शन होगा तो कई बार ये जानलेवा भी हो जाता है, जिसका तुरंत अच्छे किसी डॉक्टर के पास जाकर व्यक्ति को अपना इलाज करवाना चाहिए। कभी भी इस रोग के लिए लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन ये रोग होने के बाद जब पेट के अंदर कई बार पूर्णतया ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसके कारण क्या होते हैं कि रोगी या तो दवाइयाँ पूरी नहीं खाता है, और पूरा इलाज ना करवाने की वजह से वो थोड़े से जब उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है तो आराम लगता है, वह रोगी दवाई छोड़ देता है, जबकि उसे दवाइयाँ नहीं छोड़नी चाहिए, तो इलाज पूरा करवाना चाहिए, जब तक कि डॉक्टर कहे उसे दवा लेनी ही चाहिए, अपनी मर्जी से दवाइयाँ ना खाए, नहीं तो वो कभी ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन ये हमारे पेट में पहुँचा कैसे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि ये अमीबा जो है हमारे पेट से साथ में जब हम पॉटी करते हैं तो पॉटी के साथ बाहर भी निकल जाता है। जब ये पॉटी से बाहर निकल जाता है तो वहाँ पे ये 2-4 घंटे के अंदर ही मर भी जाता है, लेकिन ये ना मरे इसके लिए क्या करता है, ये अपने आप को सिस्ट फॉर्म में बदल लेता है, जो कि फिर वो ख़राब नहीं होता है, और वो सिस्ट दोबारा से जब किसी व्यक्ति के अंदर पेट में चला जाता है तो वो फिर दोबारा से उस रोगी को या उस व्यक्ति को अंदर मल्टीप्लाई करके उसके अंदर भी ये अपना रोग पैदा कर देता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि जब पॉटी के अंदर जब वो सिस्ट निकले हैं तो ये कैसे हमारे पेट में पहुँचेंगे कैसे, ये सवाल होता है। जब रोगी ने पॉटी की और उसके बाद में जब अपने हाथ हाथ धोए, और अगर उसको पूर्णतः अपने अच्छे से हाथ नहीं धोएगा तो दोबारा से उसके ही अपने पेट में चले जाएंगे ये अमीबा। और अगर कोई और व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा उस अमीबा के, तो उसके पेट में भी चले जाएंगे। वो आएंगे कैसे, अगर मान लीजिए कोई पानी हमने जो पिया और उसके अंदर ये अमीबा किसी तरह से पहुँच गया इन्फेक्टेड पानी की वजह से, तो उस व्यक्ति के पेट में पहुँच जाएंगे, या
सब्जियां हैं, हमने कच्ची सब्जियां ऐसे खेत वाली खाई जो जहां पर ही अमीबा पहले से मौजूद था, उस वजह से भी ये दोबारा से व्यक्ति के पेट में जा सकता है। और वहां से वो सब्जियां जो है होटल में गई और वहां पे भी इसी तरह से अधपकी बनाई, तो वो भी हमारे पेट में दोबारा से जा सकता है वहां से भी। और मक्खियां जो होती हैं, अगर वो जैसे कोई खुले के अंदर शौच करता है और वहां मक्खियां बैठती है, तो वो भी उसके सिस्ट को अपने साथ ला के सब्जियों के ऊपर या दूसरे पानी के ऊपर बैठ के उसको कंटेमिनेट कर सकती हैं, और इस तरह से भी ये दोबारा से व्यक्ति के पेट में जा सकते हैं। तो इन सब के लिए बचने का उपाय यही है कि हर व्यक्ति को अपने हाथ स्वच्छ जाने के बाद साबुन से अच्छी प्रकार से धोने चाहिए, जिससे कि अगर उनके हाथों पे या नाखून के अंदर लगे ये सिस्ट हों तो ये निकल जाए, और व्यक्ति जब भी भोजन करे, इसीलिए कहा जाता है कि हाथ धोकर ही भोजन करना चाहिए। अब इसके इलाज के लिए क्या करें, इसके अंदर इलाज हर पैथी के अंदर है, एलोपैथी में भी है, आयुर्वेदिक में भी है, और होम्योपैथी में तो बहुत ही अच्छा इलाज है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो आज मैं बताता हूँ कि इसके अंदर होम्योपैथी की कौन कौन सी दवाइयाँ अच्छा काम करेंगी। सबसे अच्छी दवाई इसके लिए होती है, अगर रोगी को ब्लड ज़्यादा जा रहा है, दर्द है, म्यूकस ज़्यादा है, तो उसे मर्ककौर नाम की दवाई दी जाती है, और अगर उसके अंदर म्यूकस ज़्यादा है, ब्लड कम है, तो मर्कसॉल नाम की हम दवाई देते हैं। अगर रोगी को उस पॉटी के साथ में गैस बहुत ज़्यादा पास हो रही है, तो एलोज नाम की दवाई बहुत अच्छा काम करती है। और अगर रोगी को पेट में दर्द के साथ साथ में पेशाब में भी बहुत ज़्यादा जलन है, तो कैंथरिस नाम की दवाई दे सकते हैं। और इन सब दवाइयों से अगर काम ना भी चल रहा हो, और सुबह के टाइम अगर रोगी को रोग ज़्यादा होता है, कई बार पॉटी जाना पड़ता है, मरोड़ भी आ रहे होते हैं, तो सल्फर भी बहुत अच्छा काम करती है। बाकी लक्षण के अनुसार डॉक्टर अपने हिसाब से दवाई का बिल्कुल अच्छे से चुनाव करके जब देता है, तो यह रोग पूर्णतः ठीक हो जाता है। नमस्कार।